दोस्तों इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 125 सीसी कम्यूटर सेगमेंट में हीरो सुपर स्प्लेंडर एंड होंडा साइन एस पी दो बहुत ही पॉपुलर बाइक है। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने इन दो बाइक्स का कंपैरिजन लाने वाला हूं। मैं इस वीडियो में दोनों बाइक्स का 10 पॉइंट्स लेकर बात करूंगा और मेरे ओपिनियन के हिसाब से रेटिंग भी दूंगा। अगर आप इन दोनों बाइक्स में से कौन सा बाइक आपके लिए परफेक्ट है ये सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दी बाइकर्स डायरी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, कंपैरिजन शुरू करते हैं प्राइसिंग से। 2019 हीरो सुपर स्प्लेंडर का एक शोरूम प्राइस कोलकाता है 59,000 रुपीज एंड 2019 होंडा साइन एस पी का एक शोरूम प्राइस कोलकाता है 64,000 रुपीज। मतलब दोस्तों हीरो सुपर स्प्लेंडर से होंडा साइन एस पी का प्राइस ज्यादा है। यहाँ पे प्राइसिंग पे मैं हीरो सुपर स्प्लेंडर को 9 out of 10 एंड होंडा साइन एस पी को 7 out of 10 देता हूँ। कंपैरिजन का दूसरा पॉइंट है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। दोस्तों हीरो सुपर स्प्लेंडर 124.7 सीसी सिंगल सिलेंडर टू वेल्व एयर कूल्ड इंजन के साथ आता है, जो 7000 RPM में मैक्सिमम 9 BHP पावर एंड 4000 RPM में 10.35 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करता है। दूसरी तरफ होंडा साइन एस पी 124.7 सीसी सिंगल सिलेंडर टू वेल्व एयर कूल्ड इंजन के साथ आता है, जो 7500 RPM में 10.57 BHP पावर एंड 5500 RPM में 10.3 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करेगा। दोनों बाइक का ही फ्यूल डिलीवरी सिस्टम कार्बोरेटर टाइप है। हीरो सुपर स्प्लेंडर में हॉरिजॉन्टल इंजन का यूज होता है एंड होंडा साइन एस पी में वर्टिकल इंजन मिलेगा। इस पॉइंट पे देखे तो दोस्तों वर्टिकल इंजन का परफॉर्मेंस बेटर होता है। मतलब दोस्तों हीरो सुपर स्प्लेंडर से होंडा साइन एस पी का इंजन का पावर ज्यादा है। यहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में मैं हीरो सुपर स्प्लेंडर को 7 out of 10 एंड होंडा साइन एस पी को 9 out of 10 देता हूँ। दोस्तों कंपैरिजन का तीन नंबर पॉइंट है माइलेज। दोस्तों हीरो सुपर स्प्लेंडर का कंपनी डिक्लेयर्ड माइलेज है 70 KMPL, लेकिन इस बाइक का यूजर्स का कहना है कि यह बाइक ज्यादा से ज्यादा 60 KMPL माइलेज देता है। दूसरी तरफ होंडा साइन एस पी का कंपनी डिक्लेयर्ड माइलेज है 65 KMPL और इस बाइक का यूजर्स का कहना है यह बाइक 50 KMPL माइलेज देता है। इस पॉइंट पे मैं हीरो सुपर स्प्लेंडर को 8 out of 10 एंड होंडा साइन एस पी को 7 out of 10 देता हूँ। चौथा नंबर पे मैं बात करूंगा ब्रेक्स को लेकर। हीरो सुपर स्प्लेंडर में सिर्फ ड्रम वेरिएंट अवेलेबल है एंड होंडा साइन एस पी में डिस्क एंड ड्रम दो वेरिएंट अवेलेबल है। फिलहाल मैं बात करूंगा ड्रम वेरिएंट को लेकर। दोस्तों ये दोनों बाइक का फ्रंट एंड रियर दोनों व्हील्स में 130 mm ड्रम ब्रेक दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, हीरो सुपर स्प्लेंडर में IBS एंड होंडा साइन एस पी में कॉम्बी ब्रेक दिया गया है। दोनों टेक्नोलॉजी सेम टेक्नोलॉजी है, सिर्फ नाम अलग है। इस पॉइंट पे मैं दोनों बाइक्स को 8 out of 10 देता हूँ। कंपैरिजन का पांचवा पॉइंट है फ्रेम एंड सस्पेंशन। हीरो सुपर स्प्लेंडर में ड्यूअल क्रेडल फ्रेम का यूज होता है एंड होंडा साइन एस पी में डायमंड टाइप चेसिस का यूज होता है, जबकि डायमंड टाइप चेसिस ज्यादा अच्छा होता है। दोस्तों ये दोनों बाइक्स टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन एंड 5-स्टेप एडजस्टेबल ट्विन सस्पेंशन के साथ आता है। इस पॉइंट पे मैं हीरो सुपर स्प्लेंडर को 7 out of 10 एंड होंडा साइन एस पी को 8 out of 10 दे रहा हूँ। कंपैरिजन का सिक्स्थ पॉइंट है ग्राउंड क्लियरेंस, सीट हाइट एंड कार्ब वेट। दोस्तों हीरो सुपर स्प्लेंडर का ग्राउंड क्लियरेंस है 150 mm, सीट हाइट है 785 mm एंड कार्ब वेट है 121 kg। दूसरी तरफ होंडा साइन एस पी का ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है, सीट हाइट है 790 mm एंड कार्ब वेट है 124 kg। इस पॉइंट पे मैं हीरो सुपर स्प्लेंडर को 7 out of 10 एंड होंडा साइन एस पी को 8 out of 10 दे रहा हूँ। सातवां पॉइंट है इलेक्ट्रिकल। दोस्तों दोनों बाइक्स में ही AC ऑपरेटेड 35x35W बल्ब टाइप हेलोजन हेडलाइट, क्लियर लेंस वाला इंडिकेटर्स एंड 5x21W टेल लाइट दिया जाता है। स्विच गियर्स की बात करें तो दोस्तों दोनों बाइक्स में ही पास, हाइलो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न एंड इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच दिया गया है। इस पॉइंट पे मैं दोनों बाइक्स को 8 out of 10 देता हूँ। कंपैरिजन का आठवां पॉइंट है व्हील्स एंड टायर्स। दोस्तों हीरो सुपर स्प्लेंडर का फ्रंट एंड रियर दोनों व्हील्स में ही
2.75x18 साइज का ट्यूब टाइप टायर मिल जाएगा और ये दोनों टायर से केंडा का है। दूसरी तरफ होंडा साइन एसपी का दोनों व्हील्स में सीएट कंपनी का 80x100 साइज का ट्यूबलेस टायर दिया गया है और इसका रिम 18 इंच डायमीटर वाला है। ट्यूब टाइप टायर से ट्यूबलेस टायर ज्यादा अच्छा होता है और केंडा का टायर का फीडबैक भी अच्छा नहीं है और इसीलिए इस पॉइंट पे मैं हीरो ग्लैमर को 6 out of 10 एंड होंडा साइन एसपी को 8 out of 10 दे रहा हूँ। नंबर 9th सीट। दोस्तों ये दोनों बाइक्स में ही वाइड एंड कंफर्टेबल सिंगल सीट दिया गया है, इस पॉइंट पे मैं दोनों बाइक्स को ही 9 out of 10 दे रहा हूँ। कंपैरिजन का 10वां एंड आखिरी पॉइंट है लुक्स। दोस्तों हीरो सुपर स्प्लेंडर का लुक्स एकदम सिंपल है लेकिन होंडा साइन एसपी का लुक्स स्टाइलिश है। मुझे तो होंडा साइन एसपी का लुक्स ज्यादा अच्छा लगता है। कलर्स एंड स्टिकर्स हीरो सुपर स्प्लेंडर से होंडा साइन एसपी का बेहतर है। इस पॉइंट पे मैं हीरो सुपर स्प्लेंडर को 8 out of 10 एंड होंडा साइन एसपी को 9 out of 10 दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये था इन दो बाइक्स का कंपैरिजन। अब देखते हैं दोनों बाइक्स को टोटल कितना पॉइंट मिला। दोस्तों हीरो सुपर स्प्लेंडर को मिला 77 out of 100 एंड होंडा साइन एसपी को मिला 81 out of 100। इन दो बाइक्स में से कौन सा बाइक आपको अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मोटरसाइकिल एंड स्कूटर रिलेटेड न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राइड सेफ, जय हिंद, चाओ।